हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आज मैं 5 डेज़ के बाद ये ब्लॉग बना रही हूँ और उसके पीछे कुछ रीज़न है और सॉलिड रीज़न है जो कि मैं आपको एक दो दिन बाद वाले ब्लॉग में बताऊँगी। अभी नहीं बताऊँगी क्योंकि अभी डिस्कस करना मुझे सही नहीं लग रहा है, यानी कि जो टाइम है वो सही नहीं लग रहा है, तो उसके बाद बताऊँगी। और तो कैसी चल रही है आप लोगों की लाइफ, क्या कर रहे हैं आप लोग, ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मैं शायद, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन शायद इस ब्लॉग में कोई रेसिपी नहीं शेयर कर पाऊँगी अच्छी वाली, तो इसके लिए सॉरी। मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर ट्राई करूँगी कि कुछ अच्छी सी रेसिपी आपके लिए लेके आऊँ। और यहाँ पे बिल्कुल ऐसा लॉकडाउन हो गया है कि बाहर जाने तक नहीं दे रही है पुलिस। ये एरिया बिल्कुल रेड जोन में आ गया है और यहाँ पे एक जो ऐप के थ्रू पता करते हैं उसमें दिखा रहा है कि 3.15 किलोमीटर का डिस्टेंस है इस घर से पेशेंट के बीच में। तो इसलिए ये 5 किलोमीटर के अंदर ही कोई पेशेंट है, इसलिए ये एरिया को रेड जोन डिक्लेयर कर दिया गया है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है उसकी वजह से। कुछ भी बाहर से लाने नहीं दे रही पुलिस और बाहर बिल्कुल जाने ही नहीं दे रही है। तो यही सारी चीज़ें चल रही है यहाँ पे। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। मतलब ऐसी सिचुएशन आ गई है कि न चाहते हुए भी इंसान घर में बंद है। हम लोग तो गेट के पास जाने से भी डर लगता है कि पता नहीं गेट को किसने टच किया होगा, कौन आया होगा, कौन गया होगा, वैसी फीलिंग आती है। और जब भी अंदर आते हैं तो हैंड वॉश करके ही आते हैं क्योंकि बाहर में एक हैंड वॉश करने के लिए रखा हुआ है, तो बाहर में ही करके आते हैं। वो सारी चीज़ें हैं, पता नहीं यही ये कब जाएगा ऐसा लग रहा है। तो मिलती हूँ मैं आपको कुछ देर बाद में।
किधर है अद्वी, कहाँ छुपा है? पूजा रूम में छुप गया है क्या? दिखाओ दिखाओ, पीकबू। चलो निकलो, आ जाओ आ जाओ बाहर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा आ जाओ। अरे 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 अरे, कैसे फेस बना रहा है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी से आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओहो, क्या क्या कर रहा है? तो यहाँ पे सब्जियों को मैंने रख दिया है वॉश करके, अभी थोड़ी देर रखे हुए हो गए हैं, इनका पानी भी निकल गया है, तो मैं अभी जाकर इसको रख दूँगी फ्रिज में। आलू को आलू की जगह पे रख दूँगी और बाकी चीज़ें फ्रिज में रख दूँगी। तो यहाँ पे मैं रात में बना रही हूँ डोसा। आज मुझे रोटी बनाने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा चलो बैटर तो है ही, डोसा बना लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। और सब्जी भी थी दोपहर की, तो इसलिए सब्जी भी बनानी नहीं पड़ी, तो ये शॉर्टकट में काम चल गया था मेरा। कभी कभी ऐसा करती हूँ मैं, तो आज मैंने यही ट्राई किया। और ये उसी का बैटर है जो मैंने इडली के लिए बनाया था, यानी इडली डोसे का बैटर एक ही तरह का मैं बनाती हूँ। और कभी कभी थोड़ा सा चेंज रहता है, क्योंकि जो डोसा रहता है थोड़ा सा अगर ब्राउन बनाना हो, यानी ब्राउन दिखे उसका आउटर पार्ट, तो मैं थोड़ा सा उसमें चना दाल या फिर मेथी ऐड कर लेती हूँ। लेकिन अगर दोनों का बैटर सेम बनाओ तो भी टेस्ट तो एक ही जैसा आता है, मुझे टेस्ट में कोई भी फर्क नहीं दिखता है। तो यहाँ पे वही बैटर था तो मैंने डोसा बना लिया। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही है, अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर कभी वीडियो नहीं डाल पाऊँ तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मुझे भी बच्चों को देखना पड़ता है, उनकी भी कुछ कुछ तबीयत ख़राब रहती है, कभी कभी कुछ रहता है, तो इसलिए मैं नहीं डाल पाती हूँ। तो प्लीज़ बने रहिएगा इस फैमिली के साथ, जाइएगा नहीं। और कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट करने से मुझे पता चलता है कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलूँगी एक नेक्स्ट वीडियो में।